हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम बनाएंगे रबड़ी। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी की हांडी, एक कटोरी घर की मलाई, हमें दो दिन से पुरानी मलाई का इस्तेमाल नहीं करना है, आधा कटोरी दूध, 4 चम्मच चीनी, हमने काजू बादाम पिस्ता को बारीक काट लिया है, हमने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। हमने इस दूध को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा केसर मिलाएंगे और इसे रख देंगे। इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। मैंने हांडी में पानी डालकर उसे गैस पर रख दिया है। इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे, इससे हमारी हांडी चटकेगी नहीं। पंद्रह मिनट के बाद हांडी में से पानी निकाल दे। अब हम अपनी हांडी में दूध डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। दूध में एक उबाल आने के बाद हम इसमें मलाई मिला देंगे। चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें मलाई डालने से इन्हें लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं और हमारी रबड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। अब हमारा दूध पककर आधा हो गया है। अब हम इसमें अपना केसर वाला दूध डालेंगे। चम्मच से एक बार मिला लेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को मिला लें। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब इसे पकने दें। हांडी में हमारा दूध बहुत अच्छे से पक रहा है। देखिए, अब हमारा दूध पककर आधा हो गया है। हमारी रबड़ी बन गई है। अब हम इसे गैस पे से उतार लेते हैं। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। देखिए इसमें कितने अच्छे लच्छे बने हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने घर पर इसे एक बार जरूर बनाएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।